ये अलकनंदा है। अब आप देखेंगे कि ये बद्रीनाथ का आलम है, नीलकंठ पर्वत सामने है, देख सकते हैं चारों तरफ बर्फ ही बर्फ जमी हुई है। अलकनंदा किस तरीके से बह रही है आप देख रहे हैं, कितना फोर्स है, कितना फोर्स। ये मैं चारों तरफ की वादियों का दर्शन कराता हूँ आपको। ये बद्रीनाथ से माना जाने का रास्ता देख सकते हैं, माना जाने का ये रास्ता है, और माना से वसुधारा, वसुधारा जो है उसका भी मैं आपको दर्शन कराऊंगा। वसुधारा का बड़ा महत्व है। धीरे धीरे आप अब इस वादियों में आप आगे बढ़ते हुए हेमंत सागर, हेमंत टीवी चैनल। देख सकते हैं आप जो ये देख रहे हैं, ये सरस्वती है। सरस्वती यहीं से निकलती है, यहीं उद्गम स्थान है, यहीं से निकलकर सरस्वती जी जो है ऐसे निकलती है। कितना फोर्स है, देखिए क्या आवाज़ है, कितनी आवाज़। और देखिए सरस्वती जी यहीं से निकलकर जाती हुई, लोग यहाँ पर सेल्फी वेल्फी खिंचाते हुए। और ये भारत की अंतिम सीमा है, मैं आपको थोड़ा आगे दिखाऊँगा साइड से ना। सरस्वती जी यहाँ से निकल कर इस साइड आती थी, और दिखा रहा हूँ आपको माँ सरस्वती जी का उद्गम स्थान यही है। और आगे जाके लुप्त हो जाती है सरस्वती, माँ सरस्वती लुप्त हो जाती है। सबसे बड़ी बात, मैं हेमंत कोसावा, हेमंत टीवी चैनल। ये माना गांव बद्रीनाथ से 3 किलोमीटर दूरी पर है माना गांव, और इसी माना गांव से आगे आपको मैं दिखाऊंगा वसुधारा के लिए। देख सकते हैं कितना, मैं चाहूंगा कि आप इसे लाइक करें, शेयर करें, जानकारी हो लोगों को। माँ सरस्वती जी यहीं से निकलती है, और सरस्वती जी का मंदिर है यहाँ पर, मैं दिखा रहा हूँ आपको थोड़ा सा। देखिए लिखा है टेंपल, सरस्वती जी का टेंपल है ना, लिखा है ना। यहीं से पहले कोई ज़माने में यहाँ पर कुछ नहीं था, तब माँ सरस्वती जी का मैं दिखा रहा हूँ मंदिर। ये देखिए लोग यहीं से दर्शन करते हैं, थोड़ा सा लिखा है माँ सरस्वती जी यहाँ से निकलती है। और ये माँ सरस्वती जी का मंदिर, जय माँ सरस्वती माता जो आपको विद्या देती है, वीणा वादिनी माँ सरस्वती जी का आप साक्षात दर्शन करते हुए। मैं हेमंत तोसावर, हेमंत टीवी चैनल से, मैं चाहूँगा आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें ज़्यादा ज़्यादा। देख सकते हैं वसुधारा के लिए हम लोग हम निकल चुके हैं, और सामने जो पहाड़ है ये पूरा बर्फीला पहाड़ है, और तिब्बत और चाइना की जो बॉर्डर है वो इस पहाड़ के पीछे है 30 किलोमीटर। देख सकते हैं कितना अद्भुत, कितना सुंदर दृश्य है। और माना गांव से सिर्फ 5 किलोमीटर दूरी पर है बद्रीनाथ से, माना गांव 3 किलोमीटर, और वहीं से 5 किलोमीटर। और जब यहां पर बर्फ़ गिरती है, मैं बताना चाहूँगा 25 फुट 30 फुट ऊंचाई तक बर्फ़ चली जाती है। यहां रास्ते में कुछ भी खाने पीने का साधन नहीं मिलेगा आपको। और देखिए कितना सुंदर, और जो रस्तीला होगा वो पथरीला रास्ता, इतना 3 फुट का रास्ता होगा, ये 3 फुट का, 3.5 फुट के रास्ते पर पूरा रास्ता चलना पड़ता है, ना घोड़ा चलता है, सिर्फ पैदल चलते जाइए, कहीं कहीं तो रास्ता भी लुप्त हो गया है। और ये देखिए वसुधारा, मैं आपको दिखा रहा हूँ, बहुत कम लोग हिम्मत करते हैं यहाँ आने की। मैं हेमंत तोसावा, हेमंत टीवी चैनल से। देख सकते हैं यही वसुधारा जाने का रास्ता, और यही रास्ता है, देख से इसी तरीके का रास्ता मिलेगा पूरा 3.5 फुट का, और ये पथरीला रास्ता। मैं धीरे धीरे आपको दिखा रहा हूँ आबादियाँ चारों तरफ बर्फ ही बर्फ, बीच बीच में बिना मौसम के यहाँ पर बारिश और बर्फ दोनों गिर जाती है। ये भी बताना चाहूँगा इसी रास्ते पर
सुधारा बहुत कम लोग जा पाते हैं। लोग कहते हैं भगवान का अगर बुलावा होता है वही वसुधारा तक पहुंच पाता है। और माना गांव से 5 किलोमीटर दूरी पर है। ऊपर देखिए पहाड़, नीचे खाई, और यही छोटा सा रास्ता पूरे रास्ते 3-3.5 फुट का रास्ता। कहीं कहीं तो इतना सकरा हो जाता है 2.5 फुट 3 फुट। देखिए और कितना अद्भुत सुंदर, ये देखिए चट्टान। बारिश हो जाती है तो इसी के बीच में, बारिश नहीं बर्फ गिरती है सीधा। और 6 महीना पर बंद रहते हैं बद्रीनाथ के, 6 महीना खुले रहते हैं, और जब 6 महीना बंद रहते हैं तो यहाँ पर बर्फ़ जम जाती है 20 फुट 25 फुट 30 फुट तक। बगल में चाइना की बॉर्डर है, बताते हैं चाइना बॉर्डर यहाँ से सतावा ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। ये ऐसा ऐसा रास्ते पर कभी ऊपर कभी नीचे, और ग्लेशियर भी मिलेगा आपको रास्ते में, मैं बताना चाहूँगा, मैं दिखाऊँगा ग्लेशियर। कहीं रास्ते नहीं है, सिर्फ ऐसे पहाड़ के टुकड़े हैं और टुकड़े पर ही चलना पड़ता है। ये देखिए और पतला पगडंडी रास्ता भी आ गया है वसुधारा जाने के लिए। थकान तो होती है पर हिम्मत करनी चाहिए। भगवान का नाम बद्रीशाह का नाम लेते लेते लोग पहुंच जाते हैं। मैं हेमंत करता हूँ, ये देख सकते हैं ग्लेशियर, और ये पार करना पड़ेगा। देख सकते हैं इतने ऊपर से पानी का बहाव कितनी तेजी से आ रहा है, और ये देखिए इतना सा भी रास्ता है, बस इसी रास्ते से इससे जाना पड़ेगा आपको। इसी पानी के बहाव को देखते हुए कदम फूक फूक कर चलना पड़ता है, क्योंकि बहुत तेज बहाव है ये, कोई नॉर्मल नहीं है। मैं दिखा रहा हूँ आपको, और ये पानी का बहाव नीचे तक जाता है, और ये पहाड़ पार करके आना पड़ा। ऊपर देखिए आप, ठंडा पानी बार से बार बर्फ से बर्फीला क्षेत्र, इसी तरीके से पार होकर आपको वसुधारा जाना पड़ता है। कैसा लग रहा है आप देखेंगे। और वसुधारा ये स्वर्ग कहलाता है, और वसुधारा के आगे स्वर्गारोहण है। 5 किलोमीटर बहुत लंबा रास्ता है, लेकिन हिम्मत रखेंगे तो पार हो जाएंगे। भगवान 5 पांडव भी इसी रास्ते से गए थे, मैं बताना चाहूँगा आपको। नमस्कार, मैं हेमंत ओसावर आपको हेमंत टीवी चैनल से दिखाता हुआ, आप देख सकते हैं कि अभी आप जहाँ खड़े हैं जिस पोजीशन पे मैं खड़ा हूँ वो वसुधारा है। वसुधारा क्या चीज़ है इसके विषय में मैं आपको बताऊंगा, पहले आपको वसुधारा का दर्शन कराऊंगा। देखिए ये वसुधारा, ये जो है ग्लेशियर के ऊपर मैं खड़ा हूँ, और वसुधारा देखिए कितने ऊपर से ये धारा बहकर आ रही है, और ये धारा का एक मतलब धार्मिक प्रगति के हिसाब से कहा जाता है, धर्म के हिसाब से कहा जाता है कि वसुधारा जो है, ये जो धारा आती है, लोग अगर वसुधारा के पास आते हैं, 5 पांडव भी यहाँ से आए थे। पहले मैं आपको लोकेशन समझा देता हूँ। लोकेशन ये रहता है कि आप बद्रीनाथ आते हैं, बद्रीनाथ से 3 किलोमीटर दूरी पर
माना है और माना से 5 किलोमीटर दूर पैदल चलना पड़ता है, तब जाकर आप इस जगह पर इस पोजीशन पर। और ये बर्फ भी मैं दिखा रहा हूँ, मेरी आंखों से दिखा रहा हूँ, देखिए ये बर्फ भी ढेर। और यहाँ पर आके लोग बर्फ का बड़ा आनंद लेते हैं, देख सकते हैं, दिखाइए ये बर्फ और पूरी तरह ग्लेशियर ही ग्लेशियर। और मैं ग्लेशियर के ऊपर खड़ा होकर आज आपको वसुधारा के दर्शन करा रहा हूँ। वसुधारा क्या है मैं आपको बताना चाहूँगा। वसुधारा भगवान ने शायद ये आशीर्वाद है, ये भगवान का आशीर्वाद है, अगर कोई आदमी सच्चे दिल से श्रद्धा से और भगवान की आस्था लेकर यहाँ तक आता है, पहली बात तो अगर जिसमें आस्था नहीं होती है वो यहाँ तक पहुँच नहीं पाता है, बीच रास्ते में ही वो हार जाता है, तब निकल जाता है और वो चला जाता है। देखिए वसुधारा ये, और दूसरी अगर वो यहाँ पर पहुँच जाता है तो वसुधारा का जो जल है, मैं दिखा रहा हूँ आप थोड़ा ऊपर लीजिए, वसुधारा का जल उसके पास चला के आ जाता है और उसके सर पे गिरता है और उससे उसके जो पाप होते हैं वो पूरी तरह नष्ट हो जाते हैं। फिर बताना चाहूँगा, जो पाप होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं और वो गर्म और ताज़ा हो जाते हैं, जिसके जितने पाप होते हैं सारे नष्ट हो जाते हैं और धार्मिक स्थान पर धार्मिक लोग ही आ सकते हैं। थोड़ा सा मैं कैमरा घुमाऊँगा वसुधारा के आस पास से, ग्लेशियर के आस पास से एक बार पूरा कैमरा घुमाया जाए। और जिस पोजिशन पर देखिए, जो पोजिशन आप कैमरा देख रहे हैं स्टॉप, ये पोजिशन यही, ये जो रास्ता देख रहे हैं वसुधारा से सीधा जाता है, जहाँ पर देख रहे हैं बर्फीला क्षेत्र है वहाँ पर। मैं बताना चाहूँगा कि वही जो रास्ता आप देख रहे हैं वही रास्ता वो स्वर्गारोहण स्वर्गारोहण तक जाता है, जहाँ पर पांडव गए थे, जहाँ पर उन्हें उड़न खटोला मिला था और एक कुत्ता मिला था जो धर्माधीश का जो कुत्ता था वो काला कुत्ता उनके साथ मिला था और युधिष्ठिर जो है वहाँ तक पहुँच पाए। ये वही स्थान है जहाँ से 5 पांडव और जो एक जोगी था साथ में कुत्ता था जो ब्लैक कलर का था वो साथ गया था, ये वही स्थान है। मैं आपको बार बार हर बार बताता हुआ हेमंत तोतावर मैं चाहूँगा कि आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं हेमंत तोतावर, हेमंत टीवी चैनल, एक बार और वसुधारा का दर्शन कराता हूँ आपको ग्लेशियर के ऊपर। और एक बात और बोलना चाहूँगा, जो धर्म कर्म करना हो वो अपनी जवानी में कर लेना चाहिए। अगर लोग ये सोचते हैं कि हम बुढ़ापे में और बूढ़े हो जाएंगे तब करेंगे, तो मैं ये बात आपको अनुभव की बता देता हूँ और ये प्रत्यक्ष अनुभव है कि बुढ़ापे का इंतजार करेंगे धर्म क्षेत्र में जाने का तो शायद आपकी आँखें कमजोर हो जाती हैं, तो भगवान के दर्शन नहीं होंगे। और अगर जाने की कोशिश करेंगे तो पैरों में ताकत नहीं रहेगी या फिर विचार करेंगे तो वहाँ तक पहुँच नहीं पाएंगे। इसलिए धर्म कर्म अगर जवानी में किया जाए तो वो बुढ़ापे में भी साकार होती है। और बुढ़ापे के हिसाब से अगर आप धर्म कर्म करेंगे धर्म क्षेत्र में जाएंगे तो बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा और कोई जाने वाला मिलेगा तो आप पहुँच नहीं पाएंगे, बीमारी तबीयत सब चीज़ ख़राब रहेगी। इसलिए क्या है कि जवानी में ही कर लेना चाहिए। और साक्षात मैं दिखा रहा हूँ आपको साक्षात वसुधारा, और यह वसुधारा यही, मैं ग्लेशियर पर खड़ा हूँ और ग्लेशियर पर स्लोप बहुत है, फिसलने की जगह बहुत है, सावधानी से चलना चाहिए। छोटे छोटे पथरीले 2-3 फुट के रास्ते से आता हुआ आज मैं वसुधारा तक पहुँचा हूँ। बहुत ही मेहनत से पहुँचना पड़ता है, काफ़ी थकान होती है, थोड़ी ऑक्सीजन की भी बहुत कमी है। आप देखिए एक बार, मैं चाहूँगा कि एक बार आपको ये पूरा दृश्य पहाड़ का क्षेत्र का चारों तरफ का दृश्य दिखाए। आज वसुधारा से मैं कवरेज करता हुआ ये देख सकते हैं वसुधारा। देखिए वसुधारा का जल किस तरीके से गिरता हुआ आपको दिखा रहा हूँ। और ये देखिए पूरे तरफ ग्लेशियर, ये पूरा ग्लेशियर पार करके मुझे आना पड़ा और नीचे तक है और बड़ा ही डेंजर है, थोड़ा सा भी स्लिप करते ही नीचे तक जाने की संभावना है। थोड़ा ऊपर चढ़ के आपको दिखाता हूँ मैं। और वसुधारा का जल से मैं पूरा भीग चुका हूँ, यहाँ तक पहुँचना बड़ी ही कठिन है। ये देखिए थोड़ा ऊपर से और दिखाता हूँ मैं वसुधारा का जल किस तरीके से आ रहा है और कहाँ से कैसे बह रहा है, ये आप देख सकते हैं। देखिए ये है वसुधारा। मैं हेमंत तोसावर, हेमंत टीवी चैनल से, बहुत ही सुंदर अद्भुत है। फिर बताना चाहूँगा, लोग पूछेंगे वसुधारा कहाँ है, तो बद्रीनाथ, हरिद्वार से बद्रीनाथ, बद्रीनाथ से माना गाँव और माना गाँव से 5 किलोमीटर फिर पैदल आना होगा।
छोटे छोटे रास्ते, पतले रास्ते, पथरीले रास्ते और ग्लेशियर के ऊपर से किस तरीके से जाना होगा। चारों तरफ ग्लेशियर, बर्फ ही बर्फ। और ये देखिए वसुधारा का जल, भाई जो ये क्लिप देख रहा है उसके ऊपर भी जल गिर रहा है। मैं बताना चाहूँगा कि किस तरीके से जल गिर रहा है और लोग यहाँ पर वसुधारा की बोतल भर के भी लेके जाते हैं। देखिए कितना सुंदर अद्भुत, और जल सर के ऊपर आता हुआ। मैं हेमंत तोसावर, हेमंत टीवी चैनल, आपको बार बार हर बार दिखाता हुआ ग्लेशियर के बीच में वसुधारा